हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? हमसे आप लोगों को ज़रूर परेशानी होगी, हमें पता है। हमें पता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखो बच्चों, आज बहुत डिस्टर्ब चल रहा था, आपको पता है। कल से ही, कल बहुत दौड़ भाग थी ज़िंदगी में, तो इस वजह से आज क्लास लेट हुई है। तो आज इसी टाइम पढ़ लेते हैं, बाकी का समय सुबह 7 बजे ही रहेगा। और हम आपको रिवाइज करवाने वाले हैं कल और परसों। कल और परसों हम आपको 2 दिन रिवाइज करवाएंगे, तो आप लोग इसी टाइम इसी चैनल पे रिवीजन कर लेना प्रीमियर वीडियो के साथ, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो सभी बच्चे जा कर के क्लास को शेयर कर दो बाबू, और इस सेशन को लाइक करो। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग करेंगे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, जिसमें हम लोग विलयन की सांद्रता यानी कि मोलरिटी निकालना सीखेंगे। तो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है। आप लोगों को क्या करना है, बस उसी आधार पे आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना बच्चा? हाँ, ठीक है ना सब कुछ? रोहित कुमार, सचिन, मोहम्मद तारिक, प्रिया शर्मा, प्रमोद, सकीना, और कौन है भैया? रोहित और मनोज अग्रहरी, समरीन, मनोज सिंह। मनोज सिंह क्या वो बच्चा? हाँ अच्छा, दर्द हो रहा है। पुष्पलता गुड मॉर्निंग, रोशन जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। राजकुमार तिवारी जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। चलो तो अब हमें क्या करना है भैया, क्वेश्चन पे चलें अपने टॉपिक पे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि बच्चों इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दो बाबू, अपने सभी दोस्तों में खूब दबा के शेयर कर दो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और आपकी क्लास बेहतर चल सके। ठीक है बच्चे, जल्दी शेयर कर दो बाबू, ऐसे मज़ा नहीं आ रही। लाइक तो कर नहीं रहे हो आप लोग। हाँ जल्दी, बस 1 मिनट, क्योंकि लेट हुआ है क्लास में, ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं देने वाला हूँ। मैं टॉपिक पे चल रहा हूँ, टॉपिक पे चल रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपना जिम्मेदारी समझो भैया। हाँ बाबू, क्लास को लाइक करके फटाफट शेयर कर दो राजा, तुरंत कर दो, देर ना करो 1 सेकेंड का। चलो सिर्फ लाइक तो करना है, हाँ सिंपल सा है। चलो ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज न्यूमेरिकल पोर्शन आपका, जिसमें मोलरिटी निकालना सीखेंगे, सांद्रता। जो बच्चे इसके पीछे की क्लास देखे हैं उनको मैंने कल पढ़ाया था, क्या फार्मूला लिखवाया था ना, 3। आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज कैसे निकालोगे, द्रव्यमान कैसे निकालोगे, इसमें इस तरह के कल मैंने आपको 3 सूत्र लिखवाए थे। पहला द्रव्यमान या द्रव्यमान के आयतन का प्रतिशत निकालना, दूसरा विलयन का आयतन या आयतन प्रतिशत निकालना, तीसरा एक फार्मूला और भी लिखवाया था, विलयन या विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत, ये सब मैंने आपको बताया था। हाँ और 3 सूत्र लिखवाया था। तो चलो उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, मैंने आपको विलयन पढ़ाया है सोलूशन। तो प्यारे बच्चों, विलयन होता क्या है? किन्हीं भी दो समांगी मिश्रण का जब मिलन होता है तो विलयन बनता है। समांगी मतलब जान रहे हो, जो एक दूसरे में समा जाएं। हाँ चलो एक दूजे में हम समा जाएं, गाना सुने हो ना, इस तरह का कोई डायलॉग आता है। तो उसमें उदाहरण ऐसे हैं जो ताजा ताजा आप समझ सकते हो आसानी से, जैसे चीनी और नमक या चीनी और पानी। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको आपस में अगर घोल देते हो तो वो घुल जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। मतलब ऐसा नहीं कि तुम पानी में चीनी घोल दिए तो चीनी दिखेगी, वो फलानी चीनी दौड़ रही है, वो दौड़ रही है, पकड़ के निकाल लो भाई, चीनी निकल गई बाहर। ऐसे नहीं होगा, कोई मेढक थोड़ी है निकाल लोगे। तो चीनी जब घुल जाती है तो चीनी दिखती नहीं है पानी में कि कहाँ गई, चाहे फिर आप उसे छन्नी से छानो तब भी नहीं निकलेगी चीनी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि एक बार चीनी या नमक पानी में घुल जाए तो पानी में अच्छी तरह मिल जाता है, फिर उसको बाहर निकालना संभव नहीं होता आसान तरीके से, और ना ही वो आँखों से दिखे कि हाँ वो चीनी है, कितनी चीनी है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो 10 लीटर पानी में 5 किलो चीनी घोल दिया गया, तो क्या वो बंदा बता सकता है जो घोलते टाइम नहीं था वहां पर कि इस पानी में कितनी चीनी घोली गई है? बताओ, उस विलयन को देखकर, बाकी टच ना करे ना कोई एक्सपेरिमेंट करे, सिर्फ देख के बता सकता है क्या वो कि कितना जो है इसमें घोला गया है? हाँ नहीं बता पाएगा ना। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, मान लो तुम ये भी कह सकते हो उसको चखेगा, भाई चीनी पानी घोला गया, मीठा लगेगा उसको, चखेगा, हाँ भाई बड़ा
एक्सपेरिमेंट वाला बता देगा, हाँ इतना मीठा है इसका मतलब इतना चीनी है, लेकिन वो ना चखे ना छुए केवल देख के बताएगा नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि चीनी दिखेगी नहीं उसमें उस तरह से कितनी चीनी घोली गई है, तो देख के नहीं बता सकता है। हाँ चख के बता सकते हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट वाले लोग हैं, कितना मीठा है इसका मतलब कितना घोला गया, वो जान अलग बात है, ठीक है। लेकिन कोई अगर साइंस वाला तरीका देखें तो उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं किसी तरीके से, वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ देख करके कहो नहीं बता सकता कोई, तो उसके लिए ये तरीका होता है। यहाँ पे चलो समझो, ठीक है बाबू। रूपेश जी आ रहा कुछ समझ में? अभिषेक, रणबीर, मनोज सिंह, मयंक, चलो। क्वेश्चन है कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। हाँ ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा था क्या मैंने? देखो बच्चा यहाँ पे समझ लो बाबू, ठीक है समझ लो राजा, बिल्कुल परेशान ना हो, ना परेशान करो मुझे। नमक विलेय है, उधर साइड में थोड़ा सा लिखना था, क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ पे लिख लो तुम। हाँ नमक क्या है? विलेय है, विलेय है मतलब समझ रहे हो? क्वेश्चन पहले पूरा समझ लो। कह रहा है कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम नमक विलेय है, तो सांद्रता बताओ, मोलरिटी बताओ, कितना गाढ़ है, कुल मिला के इसकी गढ़ाई बताना है आपको, कि ये जो आप नमक और पानी का सलूशन बनाया हो गोल मोल के, वो कितना गाढ़ा बना है ये बताना है। तो बच्चा ऐसी स्थिति में हमें पहले देखना है क्या क्या दिया है। हमें विलायक का मास दिया है यानी द्रव्यमान दिया है, विलयन का द्रव्यमान दिया है, दोनों दिया है। विलयन वो होता है जो मात्रा में कम होता है, भैया हो दो चीज़ घोल तो हो, तो ऐसा तो नहीं दोनों बराबर घोलोगे। हाँ या फिर जिसमें, मैं क्या बात कर रहा हूँ, विलेय, विलेय वर्ड, विलेय यहाँ ध्यान दो, विलेय, हाँ विलेय, विलेय वो होता है जिसको हम घोलते हैं। जैसे नमक और पानी लोगे तो तुम ये कहोगे कि हम नमक पानी में घोल रहे हैं, नहीं ये गलत वर्ड है, हम लोग कहते हैं पानी में नमक घोल रहे हैं, पानी में नमक, क्यों? क्योंकि भैया नमक कम रहेगा पानी ज़्यादा रहेगा। अगर हम लोग चीनी को पानी में घोलेंगे तो क्या कहेंगे? पानी में चीनी घोल के पी रहे हैं, ये नहीं चीनी में पानी घोल के पी रहे हैं। दूध वाला जब दूध में पानी डालता है तो लोग कहते हैं भाई फलाने दूध में पानी डाल के बेचते हैं, ऐसा तो कोई नहीं कहता ना पानी में दूध डाल के बेचता है। हाँ लेकिन कुछ ऐसे भी निकम्मे दूधिया हैं हमारे जैसे जो पानी में दूध डाल के भी बेच देते हैं, मतलब समझो यहाँ पर। तो विलेय और विलायक समझ गए आप? हाँ समझ गए ना, देखो समझो। तो बच्चा कहानी क्या है, आपको विलेय और विलायक मैंने समझा दिया, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। चलो तो विलेय का द्रव्यमान दिया है यानी नमक का द्रव्यमान 40 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया बच्चा 320 ग्राम दिया है, फाइनल जो विलयन होगा वो 360 ग्राम का होगा। हमें निकालना क्या है बच्चा, हमें निकालना क्या है बाबू, हमें निकालना है सांद्रता। तो चलो लिखो, अब इसको मैं मिटा दूँगा क्योंकि जगह ज़्यादा है नहीं तो मुझे मिटाना पड़ेगा। हाँ चलो समझो, इधर साइड में, इधर साइड में समझो, समझो 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 समझो। हाँ एक मिनट रुके रहो भैया, रुके रहो बाबू, रुके रहो, तो देखो अब आप लोग लिखो फार्मूला कौन सा लगेगा, पहले मुझे ये बताओ। सभी लोग पढ़े हो मैं बताया हूँ, पहले मुझे ये बताओ कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र कौन सा लगेगा, कल मैंने लिखवाया था। सोचो काजल कुमारी, कुछ समझ में आ रहा है कौन सा फार्मूला लगेगा? हाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, लिखो। विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान, सांद्रता निकालनी है ना, सांद्रता का मतलब वही कितना उसका प्रतिशत द्रव्यमान है, लिख लो सभी। विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान, तो मैंने कल सूत्र लिखवाया था बाबू, वो क्या लिखवाया था, जो विलेय है आपका हल्का वाला छोटका वाला उसको आप लिखो विलेय का, मैं लिख नहीं रहा हूँ, कल मैं सूत्र लिखवाया हूँ, मैं आज लिखूंगा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। विलेय का द्रव्यमान
विले मीन्स जो कम है वो 40 ग्राम, कुल विलयन का द्रव्यमान टोटल कितना द्रव्यमान है भैया 320 और 300 और ये सॉरी 40 वाला 360 ग्राम हाँ गुणा 100। बस यही तो हल करना था ना भाई, यही तो हल करना था ना बाबू, तो चलो हल कर लो, हो गया फाइनल। अच्छा एक बात बताओ कितने लोग कर लेंगे हाँ रुपेश बेटा पढ़ाई कर लो हाँ मनोज सिंह पढ़ लो बच्चा पढ़ लो चलो ठीक है। तो यहाँ से आप एक सुन्ना काट दोगे, चार से इसको काट दो, 4 9 36 फाइनल में बात करें तो 100/9 आएगा, मतलब 100/9 भाग करोगे बाबू 11.1% समथिंग आएगा ना, 11.1% आएगा, कितना आएगा 11.1% के लगभग में ये आएगा। एक बात बता मुझे, कुछ चमक ज़्यादा है का, चमक ज़्यादा है, सही दिख रहा है? उपासना समझ में आया, रोशन समझ में आया, हीना आया समझ में, सबको समझ में आया ना बाबूआ? हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लिख लो, मैं हट गया हूँ, सामने से छुप गया हूँ थोड़ा सा, लो पूरा छुप गया। रेनू चौधरी आया कुछ समझ में? हाँ प्रिंस श्रीवास्तव, सबको समझ में आया? तो 11.1% आएगा बेटा, ये हो गया आपका मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, एक बात क्या है, मान लो किसी की परीक्षा में ये थोड़ा पलट के आ गया, अरे नेता के जैसे पलट गया, जैसे चुनाव के टाइम कुछ दूसरा माहौल बना दिए, चुनाव जीतने के बाद कौन हो तुम जानते नहीं, तो क्या करोगे समझो। जैसे मान लो ये 40 ग्राम जहाँ पे है, जहाँ पे 40 ग्राम है बचवा, समझो मुझे कुछ बदलने दो, 40 ग्राम की जगह पर अगर ये नमकवा बढ़ा दो, वैसे भी आजकल लोगों की ज़िंदगी में नमक बढ़ गया है, अब मुझे आंसर बताओ, 40 ग्राम नमक की जगह पर हमने क्या रख दिया, 60 ग्राम नमक अगर कर दिया, तब बताओ बेटा कितना आएगा, चलो कोशिश करो। यस राज, पढ़ाई कर लो बेटा, सिर्फ पढ़ाई कर लो बस, और कुछ ना करो, बाद में सब हो जाएगा अपने ही। चलो आप लोग इस क्लास को लाइक करो बाबू, ऐसे मज़ा नहीं आ रही है, ठीक है, आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक करो, ऐसे मज़ा नहीं आ रही है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रही है ऐसे, चलो जल्दी फटाफट करो, देर ना करो। प्रिंस श्रीवास्तव, अरे वाह कमाल है भाई, रोशन का आ गया, नाव्या गुप्ता का भी आ गया, अरे गधे तुम लोग काहे जुड़े हो बे, हाँ सब लोग बताओ ना यार, ऐसे नहीं मज़ा आ रही, जान लो ऐसे मज़ा नहीं आ रही है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रही है ऐसे भैया। हाँ प्रिया शर्मा का भी आ गया, 1/4 आ रहा है, यशराज सिंह कोनो कोनो का तो दशमलव में आ रहा है, अबे तुम लोग पागल है हो का, जहाँ पे 40 दिया था वहीं पे 60 रख देना बस, या 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 कितना आसान है हाँ, 1 0 से 1 0 काट दो, 6 से इसको काट दो, 6 × 6 = 36, फाइनल में 100/6 आएगा, अब 6 से तो भाग कर लोगे ना चचा। ये लो बता देता हूँ, यहाँ पे देखो तुमको दिख रहा है ना, 100 में भाग करना है, 6 का भाग करोगे बाबू, 6 × 6 घटाओगे 4 आएगा, ऊपर से दशमलव बढ़ाओगी कि नहीं बढ़ाओगी ना, तो ऊपर का क्या होगा, सुनना उतार लोगे, नहीं दशमलव भी नहीं बढ़ेगा, क्यों, दशमलव तब बढ़ाते हैं जब ऊपर कोई नंबर शेष ना बचा हो जिसे हम उतार सकें, अभी तो बचा है चचा ना ये 0 दूसरा वाले, इनको भी उतार लो, 6 × 6 = 36, क्यों भाई सही जा रहा है ना सब। फिर घटाओगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, अब तुम दशमलव बढ़ाओगे तो फाइनल में ये आएगा 16.6, और फिर 6 बार ही जाएगा तो 6 7 कर सकते हैं इसे परसेंटेज, क्योंकि हमें फाइनल निकालना है। ओहो हाँ 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 ठीक 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 करेक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी,
बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कहाँ हो गया, देखो 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 देखो, हाँ हाँ बिल्कुल समझ आ रहा है, बिल्कुल देखो जल्दी में गड़बड़ी हो जाता है ना। आपको क्या रखना है, विलेय का द्रव्यमान रखना है, वो तो मैं ध्यान ही नहीं दिया। विलेय का द्रव्यमान कितना है बच्चा, विलेय का द्रव्यमान तो 60 है, लेकिन ये जो विलयन का टोटल द्रव्यमान था वो बदल जाएगा, हाँ वो भी बदल जाएगा ना बच्चा, तो ये 60 है, ये 380 हो जाएगा। वो मैंने 360 लिख दिया था पिछले वाली की तर्ज पे, क्योंकि दोनों जुड़ता है ना, ये 60 और ये 320 और ये 100, ये सही है, ये सही है, ये एक सुन्ना से एक सुन्ना कट गया, अब सही जा रहा है। अब इसे काट दो, कितने से कटेगा ये, हाँ दो से काट दो, दो तिहाई छः, इसे दो से काट दो, 19 आएगा, ठीक है। हाँ बेटा तो ये 300/19 आएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो भाग करो, पब्लिक स्टेटस समझ में आ रहा ना बच्चा, चलो भाग करो 19 से, ये लो 300। अब तो कुछ ऐसे हमारे चचा लोग हैं जिनको 19 का भगियो नहीं आती, वो क्या करेंगे, 19 का पहाड़ा पढ़ो इसमें, 19 एकम 19, घटाओगे आएगा 11, ऊपर से सुनना उतार लो, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा ना, 19 25 95, 19 छक्का जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप दशमलव बढ़ा सकते हो, अब कोई दिक्कत तो नहीं ना, दशमलव में जाएगा कि नहीं। भाई देखो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 19 एकम 19 इतना तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, 15.78 आएगा। मिस्टर दुबे जी इतना ज़्यादा कमेंट कर रही है, गड़बड़ है, ठीक है। अभी रुको तो मैं तुम्हारा बताता हूँ, तुम एकदम आती कर दियो, सच बता रहा हूँ, और कमेंट कर दो, और कर दो कुछ। भाई देखो एक है, बात को बार बार ना कमेंट किया करो, हाँ मज़ा नहीं आती है। चलो तो देखो यहाँ से इतना हो गया, 5 बार गया, 5 9 45 और 5 1 5 9, ये घट गया। अब दशमलव बढ़ा के ये 0 उतार लिया, अब कितनी बार जाएगा, 7 बार लगभग जाएगा, 19 7 भाई 7 9 63 133 होता है ना, 7 1 7 6 13 133 कितना आएगा, 133। पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं, अभी दिख रहा है ना, हाँ तो फिर क्या करोगे, यहाँ पर उतार लोगे नीचे से, फिर से घटा लोगे, लगभग 8 टाइम जाएगा, बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 15.78% आएगा, हाँ 15.78% आएगा लगभग, ठीक है। रारंग यादव जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, बच्चे क्लास को लाइक करो भाई, ऐसे मज़ा नहीं आ रही बाबू, ठीक है। जो भी बच्चे लाइक नहीं करें ना, वो क्लास को लाइक करें, ठीक है, समझ रहे हो ना। दिनेश जी कमेंट आ रहा है आपका, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, चलो ठीक है बच्चे, वेरी गुड। रोहित मेहरा उपासना UPSC गर्ल, और सकीना IAS, ठीक है, वेरी गुड। देखो एक एक से एक मुसीबत नई नई आ जाती है बीच बीच में, आने दो ने 90। तो इस तरह के आप लोग क्वेश्चन कर ले जाओगे। अच्छा ठीक है, ये बताओ का इसमें थोड़ा और बदलाव करके एक नया क्वेश्चन बना दें कि नहीं। भाई एक टाइप के कई क्वेश्चन सीखो बेटा, एक टाइप के कई क्वेश्चन, जिससे आपका एक्सरसाइज हो जाए, जितने ज़्यादा अभ्यास करोगे परीक्षा में उतने बेहतर कर पाओगे। ये नहीं कि अब तो ये हो गया, इसको मिटाओ हटाओ, दूसरा ले आओ, फिर तीसरा ले आओ, ये कोई चखने वाला वो क्या कहते हैं पानी पूरी नहीं है, हाँ ऐसे होता नहीं है, समझ रहे हो ना। एक से एक नालायक हैं, पता नहीं कहाँ से पैदा हो जाते हैं, मैं इनको क्या कहूँ, हाँ एक बार काट दोगे तुम ये फिर करेंगे, फिर काट दोगे ये फिर करेंगे, मतलब ये करेंगे तब तक जब तक तुम एकदम परेशान ना हो जाओ इनसे। चलो ठीक है, तो इसमें हम एक और बता रहे हैं, अब लिखो। देखो बच्चा, मैंने कहा पहले क्वेश्चन में था कि 40 ग्राम नमक है और 320 ग्राम क्या था,
एक बिलयन के 320 ग्राम विलायक, विलायक 320 ग्राम था, लेकिन अब नमक वैसे ही रहने दो, नमक को वैसे ही रहने दो, अब हम क्या करेंगे, विलायक को बढ़ा देंगे। हाँ चलो इसको क्या कर देंगे बेटा, 340 ग्राम। अब मुझे बताओ इसका सांद्रता क्या होगी, जल्दी बताओ इसकी सांद्रता क्या होगी, अब बताओ। रोशन बेटा कहाँ मिलता है एप्लीकेशन, बाजार वजार में मिलता है, दुकान पे मिलता है, बताओ, तुम्हें तो पता है ना कहाँ मिलता है, तो फिर क्यों पूछ रहे हो भाई। गूगल प्ले स्टोर पे ही एप्लीकेशन मिलते हैं ना, या फिर एप्पल स्टोर में मिलते हैं, हाँ बहुत नाम मात्र के लोग गैलेक्सी स्टोर पे भी डाउनलोड कर लेते हैं। कर लोगे ना भाई, सिंपल सा है, आपको क्या करना है, अरे ये चाचा को रखना छोटके वाले को 60 ऊपर नीचे, इन दोनों को जोड़ के 400 गुणे 100 कर देना है, सभी बच्चे करके बताओ कितना आएगा। राम किशोर पहले उत्तर बताओ, रामवीर, देवांग, सभी बताओ जल्दी से, देखो ऐसे मजा नहीं आती, जान लो अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जितनी क्लास चले प्यार से देखो, हर एक क्वेश्चन का जवाब दो, नहीं आ रहा तुम गलत है जवाब दो, कुछ तो हाथ पैर मारो, गारंटी लेते हैं टॉप करोगे बोर्ड परीक्षा में अगले साल, 9th में टॉप करने से कोई मतलब है ही नहीं, हाँ 9th में मत करना, छोड़ देना, छोड़ने का मतलब ये नहीं तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, फिलहाल 9 में कर देना तब भी अच्छा रहेगा, दोनों में कर लेना, लेकिन अगर ट्राई नहीं करोगे, कुछ ऐसे ना लाइक ट्राई नहीं कर रहे, मैं क्वेश्चन देता हूँ उनकी नज़रें रहती हैं, गुरु जी लिख रहे हो नहीं, जैसे लिखा हाँ बस शुरू छापना शुरू। सबसे पहला जवाब आया है रोशन, रूपेश, रेनू, SK, DK, दिनेश, पूजा, उपासना, मोहम्मद तारिक, ठीक है बच्चे वेरी गुड, चलो ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम क्या देखेंगे, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान 60 है ऊपर तुम्हें दिख रहा, विलेय कुल विलयन का द्रव्यमान टोटल, तो बच्चा इन दोनों को जोड़ जाएगा टोटल तो 400 हो जाएगा, बूढ़ा कितना हो जाएगा 100, तो बेटा इनको काट दो 100 से, ये चचा कट गए कट गए कट गए, ये तो कट गए कट गए, हाँ लुट गए तेरी मोहब्बत में, तेरी नजरों ने ये कैसा जादू किया, मतलब समझ रहे हो ना। तो भैया इस क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो क्या तुम लोग, हाँ अब सभी बच्चे पहले इस सेशन को लाइक करो, मैं तभी अब आगे बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा ही नहीं, अब मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल, तुम सुन ही नहीं रहे हो, ऐसे मजा नहीं आ रही, देखो यार किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए ऐसे बिना मतलब के, और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो मेरा तो ऐसे तोड़ रहे हो ना, हाँ बिना मतलब का तोड़ रहे हो ना मेरा, हाँ जो कर रहे हैं एक बार वो दोबारा नहीं करेंगे बेटा, जो एक बार करा है लाइक वो दोबारा नहीं करेगा, जो नहीं करा वो तुरंत कर दे। अब ये क्वेश्चन मैं हटाऊंगा, चलो अब मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग क्लास को लाइक करो, ऐसे मजा नहीं आ रही बेटा, ठीक है ऐसे मजा नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं मजा आ रही, मत तोड़ो किसी का ऐसे बिना मतलब के, हाँ थोड़ा तो रहम करो। चलो तो आप पढ़ रहे हैं इस समय मोलरिटी, मतलब सांद्रता निकालना बेटा, अभी जो इसको हल्के में ले रहे हैं ना, जब वो इंटर में जाएंगे ना तो एक कौन आएगा, अगर आपको इंटरमीडिएट में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ना है तो इसको बहुत सीरियस लो, अभी बहुत सीरियस लो, तभी आगे गाड़ी पार होगी बेटा, नहीं तो आगे ना गाड़ी वैसे फंस जाएगी जैसे गांव में गड्ढा में ट्रैक्टर फंस जाता है, फिर 3 घंटा हुई हुई करता है, फिर किसी तरह टोचन लगा के निकालना पड़ता है, तो टोचन का मतलब हुआ कि तुम फेल हो जाओगे, दोबारा पेपर दोगे, बैक वैक डालोगे, वो टोचन होगा, तो टोचन ना लगाना पड़े इसलिए अभी से सीरियसली पढ़ो। अभी तक सभी बच्चे लाइक नहीं करें बाबू, ठीक है लाइक करने के लिए ऊपर वाली बटन दबाते हैं जो अंगूठे की तरह ऐसे होती है, ऐसे नीचे वाला नहीं दबाते हैं, ऊपर वाला ऐसे, तो जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो जा करके सुधार कर लें, और मुझे सब पता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है कौन क्या कर रहा है, उसी आधार पर हम आपको वरीयता देंगे क्लास में। चलो तो अगला क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं, आप लोग लिखो उन्हें, और क्वेश्चन करवाएं कि ना करवाएं, करवाना तो चाहिए वैसे, हाँ
देखो एक काम करते हैं, क्वेश्चन अगर यहाँ लिखेंगे तभी फिर 3-4 मिनट लगेगा, तुम कहोगे ये तो मजा नहीं आ रही। हाँ तो हम लोग कल क्वेश्चन इसके आगे मतलब अगली जब क्लास चलेगी उसमें करेंगे, लेकिन अभी जाना नहीं। यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे ना, अगली क्लास में इस क्वेश्चन की PDF फाइल बनवा देंगे और PDF फाइल बनवा के स्क्रीन पे आपको फटाफट दिखा देंगे, क्वेश्चन लिखने का झंझट खत्म, क्वेश्चन लिखने का झंझट ही खत्म। तो अभी हम लोग आपसे मतलब मिल करके थोड़ा डिस्कशन करेंगे जो आपने पढ़ा अभी तक। चलो बताओ, आप लोग जवाब दो, ये बताओ अगर यहाँ पे देखो बच्चा, ये दूध है, क्या है दूध, दूध मीन दूध का मीन्स मतलब मिल्क, यहाँ पे समझो दूध में क्या है बच्चा, चीनी घुली है, क्या है चीनी है मतलब शक्कर है, और ये दूध है 10 लीटर, अरे चीनिया बेचारी कितना है, अरे चीनिया बेचारी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, थोड़ी सी रहती है, मान लो 10 ग्राम है। अब मुझे ये बताओ इसमें विलायक क्या है, हाँ विलायक क्या है बताओ, विलायक क्या है, अब कहोगे कौन सा शैतान का नाम है बेटा, अगर पढ़े हो पढ़ाया था तब समझ जाओगे। हाँ इसमें दोनों में विलायक क्या है, अगर पूछूं क्या है विलायक, विधायक नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग को तो चाचा विधायक है वही समझ में आ रहा होगा, विलायक बोल रहा हूँ, विलायक ये वर्ड देखो, पहले तो तुम शब्द का नाम सीखो, विलायक मतलब विलयन को बनाने वाला, गोलने वाला, तो जो ज्यादा होता है वो विलायक होता है। देखो कुछ गधे 10 ग्राम 10 ग्राम बता रहे हैं, अरे इडियट, विलायक विलायक दूध है, ये बताओ 10 लीटर दूध है, उसमें 10 ग्राम चीनी है, 10 ग्राम मतलब इतनी चीनी होगी, ये बताओ इतनी चीनी में तुम दूध मिला मतलब इतनी चीनी में दूध घोलोगे, नहीं ना, 10 लीटर दूध में चीनी घोलेंगे, उल्टा मत बोला करो। देखो हिंदी भी सही से बोली जाती है लेकिन हम लोग अधिकांश हिंदी गलत बोलते हैं, कैसे, जैसे मान लो हमें स्कूल जाना है तो क्या कहते हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं काम चल जाता है, जा रहे हैं हम स्कूल, हाँ कुछ लोग इसको और भी कुछ तरह से बोल देते हैं, तो आप मतलब समझो शुद्ध वर्ड बोलना है आपको, हमें स्कूल जाना है ये शुद्ध है, जा रहे हैं हम स्कूल ये शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब समझ जाते हैं उसका। तो वैसे इसमें क्या करना है, इसमें आपको शुद्ध तरीके से पेश आना है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, साइंस की पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, हाँ तो दूध क्या है, दूध विलायक है बेटा, ये क्या है विलयन है, याद रखना, मैं इसको इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ कि कुछ ऐसे खच्चर हैं, कुछ ऐसे हमारे खच्चर टाइप के दोस्त हैं, मित्र हैं, स्टूडेंट हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, तो मैं रिवाइज करवाता हूँ। देखो अक्सर स्टूडेंट की समस्या होती है कि सर याद नहीं होता है, पढ़ने को तो बहुत पढ़ लेते हैं पर याद होता नहीं, भूल जाता है। अच्छा इसमें कितने लोग हैं भुलक्कड़ वाले, क्या आपको भी भूल जाता है, बोलो अगर हाँ भूल जाता है तो बोलो हाँ, हाँ आपको भी भूल जाता है। देखो बेटा समझो कोई चीज़ भूलता क्यों है, पहला नंबर हमारा उससे दोबारा मुकाबला ना हो तब हम भूल जाते हैं। आप ऐसे समझ लो आपका कोई मित्र है या आपके कोई पापा जी के रिश्तेदार हैं जो घर में एक बार आए थे जब तुम 10 साल के थे, उसके बाद वो 10 साल आए ही नहीं, अब तुम 20 साल के हो गए, तब हो सकता है तुम उन्हें ना पहचानो, क्यों, क्योंकि वो 10 साल बाद आ रहे हैं, फिर तो आप भूल गए होगे लगभग, उम्मीद है कि नहीं पहचानो। लेकिन शर्मा चाचा जो रोज सबेरे पहुंच जाते हैं लेके डिब्बा, उनको कभी भूल सकते हो, नहीं ना, नहीं ना। अरे बिजली का बिल निकालने वाला आता हर महीना, हर महीना आता है, रोज नहीं आता, उसको भूलते हो कभी, नहीं ना। ऐसे बहुत से लोग आपके घर में, पेपर वाला रोज आता होगा। देखो
हम लोग बोलते तब हैं जब कोई चीज़ से दोबारा मुकाबला ना हो, किसी चीज़ का दोबारा रिवीजन ना किया जाए, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, समझ लो। पढ़ाई में भी इसी तरह से है, तो आपको शर्मा जी अंकल की तरह बनना है, रोज़ आना है, मतलब रोज़ रिवाइज करना है, रोज़ पढ़ना है। जैसे अगला चैप्टर पढ़ रहे हो, थोड़ा देर 10 मिनट निकाल करके, 10 मिनट 20 मिनट निकाल करके रिवाइज कर लो। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम फिर से पूरा पढ़ डालो, नहीं, रिवाइज कर लो। ये एकदम पागल हो गया का मिस्टर यस दुबे काफ़ी देर से कमेंट कर रहा है, आपकी शादी लगवा दिए गए, आपकी शादी लगवा दी गई। कौन कह रहा शादी लगवा दी गई, हाँ शादी हो जाएगी तो यहाँ इसे पढ़ा पाएंगे? रात में 2 बजे भी पढ़ा देते हैं, 1 बजे पढ़ा देते हैं, कभी कभी दिमाग डिस्टर्ब होता है, जागते रहते हैं, रात में 3 बजे पढ़ाने लगते हैं एप्लीकेशन वाली क्लास में, यूट्यूब पर भी कभी कभी आ जाते हैं। शादी हो जाएगी तो ड्यूटी लग जाएगी, नाइट शिफ्ट अलग अलग, समझ रहे हो, तो फिर रात में क्लास नहीं चल पाएगी, रात में फिर दूसरी ड्यूटी रहेगी, दिन में दूसरी रहेगी। हाँ कहीं ऊपर से आदेश आया, नहीं इसको नहीं करना है, अब नहीं पढ़ाना है, बंद करो, बहुत हो गया, ये बच्चे तुम्हारे हैं, सिर्फ बच्चों को ही देखते हो, मुझे नहीं देखते हो, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर, समझ रहे हो ना। ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या करेंगे हम, तुमसे लड़ेंगे या उससे लड़ेंगे? इससे अच्छा वो जहाँ भी हो वहीं रहे तभी ठीक, कुछ समझ रहे हो ना। तो चलो आगे हम बात क्या कर रहे थे, अब मत बात करना शादी के बारे में, पहले मतलब सुनो। हम बात कर रहे थे विलायक और विलयन, यानी हम लोग बात कर रहे थे रिवीजन के बारे में, है ना। तो बेटा कहाँ पहुँचे थे तुम लोग, यार डिस्टर्ब कर देते हो, मतलब जा कहाँ रहे थे हम लोग, कितना अच्छा खासा पढ़ रहे थे, अब ऐसा नाम बोल दिए कि दिमाग उधर घूम गया पूरा, सबका खोपड़ी घूम गई, हाँ सबकी घूम गई खोपड़ी। अब चलो कुछ और भी बात करते हैं, मज़ा आ रहा है सबको, मज़ा आ रहा है ना, तो ले लो मज़ा, ठीक है ले लो मज़ा। ये सब बहुत खतरनाक बच्चे हैं, इसीलिए पूछवे करते हैं, मुझे मालूम है। तो एक बात बताओ, आप लोग जो पढ़ रहे हो रिवीजन विजन कर रहे हो कि नहीं? रिवीजन कर रहे हो ना बच्चा, तो चलो अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा बहुत हम लोग रोज़ रिवीजन करते हैं। मुझे ये बताओ बच्चा, सभी बच्चे, परमाणु क्रमांक 30, अब हम थोड़ा अलग चलेंगे, परमाणु क्रमांक 30, हाँ एटॉमिक नंबर, इसका जो संकेत है वो क्या होगा? देखो बेटा मैंने कई बार बताया, हाँ कई बार बताया कि ये कम से कम आप 100 तक ना सही तो 50 तक तो याद कर लो अभी, हाँ 50 तक याद कर लो। कई UPSC बॉय जो वर्ड तुम बोल रहे हो ना, वो वर्ड हम नहीं बोलते, नहीं यूज करते हैं, हाँ उसकी जगह पे कुछ दूसरा यूज किया जाता है। चलो कितना आएगा, क्या संकेत है इसका, नहीं पता। JN मनीष दुबे बता रहे हैं, HCl कौन बता रहा है, गधा है, HCl थोड़ी होता है, भक्त गलत है, हाँ मैंने कहा परमाणु क्रमांक 30, इसका संकेत क्या होगा, कौन सी धातु है ये बच्चा? पीरियाडिक टेबल याद कर लो राजा, नहीं अगले जाके ना खून की आंसी रोओगे, याद कर लो टेबल। मैं रोज रोज इसलिए एक आध दो पूछ लेता हूँ बीच बीच में कि तुम्हारा खोपड़ी जानती रहे, कहा मुझे याद करना है। 20 तक तो मैंने सबको याद करवा दिया था, है ना, याद कर लो धीरे धीरे। देखो एक दो रोज याद करो बस, तुम मत रोज याद करो सब, एक दो याद करो, याद हो जाएगा, बहुत टाइम होता है, ठीक है। ZN सब बता रहे हैं, ये ZN क्या होता है, नाम बताएगा कोई, मालूम है तुम्हें कि नहीं? हाँ चलो बताना, मैं देखता हूँ कितने बता पाते हैं। रोशन को याद हो गया 20 तक, बहुत अच्छे बेटे, वेरी गुड, बधाई हो। चलो तो इसे याद कर लो। अच्छा एक और बताओ, एप्पल इंडिया बेटा आ गए तुम, तुम्हारा ही तो इंतजार था, गूगल एप्पल फेसबुक जब तक सबको ना पढ़ा दें तब तक चैन कहाँ है। चलो अगला क्या है, परमाणु क्रमांक दें या क्या दें? अच्छा ये छोटका सा ले लो चाचा को, के किसका संकेत है? अखिलेश कुमार रेणु को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें होने वाला है, हाँ तुम्हें होने वाला है, क्योंकि तुम जवाब तो दे नहीं रहे हो।
ये क्या है के? अच्छा एक टेवर बताना, छोटा एक टेवर है पी, इनके पड़ोसी हैं। 20 तो नहीं है, गधा है, गलत है भाग। सब ऐसे ऐसे आ गए पता नहीं कहाँ से, जो मर्जी वही बोल दोगे का। हाँ फलाने वाली आंटी का फलाने वाले अंकल से जुगाड़ लगा दोगे, ये तो बवाल हो जाएगा। ये नहीं होगा के, नहीं इसमें 20 किसी का नहीं होगा, ना तो इसका होगा ना उसका होगा। ठीक है हाँ, 19 और 15 में से एक एक हो सकते हैं एक दूसरे के, 19 और 15। ठीक है वेरी गुड। चलो पोटेशियम, हाँ ठीक है सही दिशा में जा रहे हो हर्षित। वर्तिका गड़बड़ जा रही हो तुम, यहाँ केल्विन से नहीं मतलब है, केल्विन और पास्कल से नहीं मतलब है, ये तो हम लोग पीरियाडिक टेबल पढ़ रहे हैं। तो अब तुम कहो ये के मतलब केल्विन, हाँ केल्विन होता है के का मतलब। ये तो ऐसे हो गया जैसे ये कोई लड़का है। हाँ अपने दोस्तों के साथ कॉलेज गया तो क्या, वो एक स्टूडेंट है पढ़ रहा है ना, लेकिन मान लो शादी में गया है, उसके दोस्त लोग डांस कर रहे हैं, हाँ साली साले लोग अगल बगल घेरे खड़े हैं, बीबी बगल में बैठी है, तो क्या है वो स्टूडेंट नहीं है ना, दुल्हा बना है ना वहाँ पे, समझ रहे हो ना, दुल्हा बना है वहाँ पे, वो स्टूडेंट नहीं है। जैसे आप लोग हो, आप ही लोग समझ लो, अभी पढ़ रहे हो स्कूल कॉलेज जा रहे हो, स्टूडेंट हो, आपकी शादी होगी, दुल्हा बन के जाओगे तो वहाँ क्या रहोगे, वहाँ कोई थोड़ी कह गए फलन वाइया, वहाँ तो बड़े सम्मान से लोग बोलेंगे ना। तो वैसे ये के जो है ना बच्चा, ये केल्विन तब होता जब मात्रक में जाते हैं हम लोग कन्वर्जन वाले में, उसमें तापमान वाले में तब, नहीं तो ये के का मतलब यहाँ केल्विन नहीं है। ये केल्विन नहीं है, पोटेशियम बता रहा कोई, ठीक है वेरी गुड। यही तो एकदम अलग है, के से इसका नाम शुरू ही नहीं होता है, ये संकेत है, प्रतीक है, चिन्ह है, इससे नाम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है क्या है ये, पोटेशियम है। धर्मेंद्र सिंह भेज दिया जाएगा बच्चा, ठीक है भेज दिया जाएगा पीवीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे भेजा जाएगा, ठीक है पीवीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर। अच्छा एक और रिवाइज कर लो बेटा। देवांग आ गए तुम, तुम्ही को तो मैं ढूंढ रहा था। ये बताओ अगर कोई गैस जो है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, यानी गैस से लिक्विड में जाती है, तो ये कौन सी क्रिया है? बताओ। अगर कोई भी परिवर्तन है जो है गैस से द्रव में होता है तो कौन सी क्रिया है, इस क्रिया का नाम क्या है? उपासना को 70 तक याद है, झूठ मत बोलो। अभी तुम बता नहीं रही थी, मैं देख रहा था तुम पलट रही थी किताब जल्दी जल्दी, झूठ मत बोलो, चेहरा देख के हम दिल की बात समझ लेते हैं। चलो याद कर लो, ठीक है अच्छी बात है। म्यूजिक वर्ड बहुत बड़ा लिखे हैं, प्रथम करूँगा आपका परिवार अच्छी तरह से रहे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से, ढेर सारा थैंक यू, मैं क्या बोलूँ आपके ऊपर, सब कुछ लुटा दूँ। चलो ठीक है अब चलो आगे। तो क्या कहलाता है ये? वर्तिका ने जवाब दिया है, इरफान ने भी बताया है, और ललित ने भी बता दिया भाई, ब्रोटिस, शुभम, शिव सब बता रहे हैं। ये क्या होता बच्चा? कंडेंसेशन इसी को बोलते हैं का? भाई सीबीएसई वाला कहाँ गया बताओ ना, कंडेंसेशन संघनन को ही बोलते हैं। समझ लो, रुक गया कब है भाई, रुक गया का, रुक जा एक मिनट। फ्रीज हो गया वीडियो, लेकिन बहुत मस्त सेल्फी आई है गुरु, एकदम मतलब ऐसा लग रहा है उड़ने वाले हैं। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, कहीं जाना नहीं, आवाज आ रही होगी, मैं दोबारा इसे रिस्टार्ट करूंगा, कहीं जाना मत, रुके रहना। चलने लगा ना, बोलो फिर, रुक गया कहिए।
तुमको ना हम तोड़ फोड़ देंगे, जान लो मेरा दिमाग अगर पंचर किया फिर रुक गया। नहीं रह सकते बिना देखे, मुझे रह नहीं सकते हैं, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं। चल गया ना, चल गया चल गया चल गया, हेलो 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 हेलो, चल गया भाई चल गया, चलो। हाँ हाँ तो देखो मैं बात क्या कर रहा था बेटा, हम कह रहे थे कि जब गैस से कोई भी पदार्थ जो है द्रव में बदलता है तो ये क्रिया संघनन कहलाती है, यानी काम कुछ और होता है, नाम कुछ और रखा जाता है। जैसे तुम लोग क्या करते हो, हाँ तुम लोग क्या करते हो, चुप चुप के पढ़ाई करते हो, मतलब चुप चुप के पढ़ाई तो नहीं करते, पढ़ाई तो डंका के चोप पे करते हो सबको दिखा के, लेकिन तुम जो चीज़ चुप चुप के करते हो ना उसका नाम कुछ और दिया जाता है, समझ रहे हो, तीन अक्षर का जानते हो ना, उसे लोग प्यार बोलते हैं। हाँ तुम चुप्पे से स्कूल नहीं जाओगे, स्कूल की जगह कहीं और चले जाओगे, हाँ पढ़ाई की जगह मोबाइल में चैटिंग करोगे, एक घंटा फ़ोन पे बात करोगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कमेंट देख रहा हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे आते हैं, कक्षा 8 से ही बच्चा ये सब सिस्टम समझ जाता है। हाँ उसे ये भूलता भी नहीं है, पढ़ाई वाला तो भूल जाता है, टेबल वबल पीरियडिक टेबल सब भूल जाता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलता है, कैसे क्या होता है, स्टेप क्या है, उसके वो सारे स्टेप जानता है। इसमें से तुम लोग भी हो, हाँ अखिलेश कुमार जी बच्चा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, थोड़ा सा वेट कर लो। तो आगे हम बात कर रहे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखना जितने भी इसमें की क्रियाएं हैं सब दिमाग में घुसा लो ठूस ठूस के। अगर कोई भी गैस द्रव में बदल जाती है तो वो संघनन कहलाती है। अच्छा इसी का उल्टा बता दो बेटा, चल 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 जल्दी बता, जल्दी बता, पता 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 पता, अगर कोई भी द्रव गैस में बदलता है, जैसे पनिया को उबाल देते हो ना, उड़ जाता है, तो बताओ क्या कहलाता है वो द्रव गैस, बोलो 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 भाई जल्दी जल्दी बोलना। वर्ड ऑफ पियानो बताओ ना, चल चल भाई जल्दी बताओ। देखो जस्ट इसका उल्टा, दोनों याद रखना, दोनों याद रखना। कि अगर कोई आपके डॉगी पाला आपने या फिर आपके आसपास रहता है, उसे अगर तुम एक लड्डू दे दो एक दिन, फिर देखो अगले दिन तुमको देखेगा तो पूंछ भी हिलाएगा, जीभ भी हिलाएगा, मुंह भी हिलाएगा, बुलाओगे तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन इसका उल्टा, अगले दिन उसको एक थप्पड़ मार दो या फिर एक डंडा मार दो, भाई मारना मत, वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ एग्जाम्पल, फिर तुम जहाँ बुलाए ना या तुमको देखा पीछे ही दिखाएगा, तुमको अपना मुंह नहीं दिखाएगा, समझ रहे हो ना, भाग जाएगा तुरंत। क्यों? क्योंकि जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है ना भाई, तुमने खिलाया था, तुम्हारे ऊपर आया था, तुम्हारे पास आया था, तुमने मारा तो वो तुमसे नफरत करने लगा। तो वैसे इसमें क्या है, अगर द्रव से गैस में बदलता है बेटा, ये तो हो गया वही सिंपल वाला जो मैंने बताया था देसी भाषा में, कि गाँव में पानी वानी सूख जाता है, जो नदी तालाब, नदी का तो नहीं बात करेंगे, उतना नहीं सूखता है, तालाब और गड्ढे का पानी जब धूप निकलती सूख जाता है, उसे कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, वेपोरेशन यही बोलता है का, हाँ ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा। तो ये कहानी है सब, पूरा आपको आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। हाँ ये निक्षेपण कौन बता रहा था, अरे गधे निक्षेपण ये नहीं है, निक्षेपण अलग है, ये निक्षेपण नहीं है, याद रखना, ये परीक्षा में कन्फर्म है, इसकी जितनी भी प्रक्रिया है, द्रव से गैस में बदलना, गैस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना, ठोस का गैस में बदलना, गैस का ठोस में बदलना, ये जितने भी 6-7 क्रियाएं हैं ना बेटा, इनमें से एक आध तुम्हारे एग्जाम में कन्फर्म आएगा, चाहे अभी लिखवा लो, चाहे दुए नंबर का रहे, लेकिन आएगा जरूर, इसलिए समझ के चलो। याद मत करो, सब कुछ याद नहीं किया जाता है,
ये दिमाग इतना बड़ा है, खोपड़ी इतनी बड़ी है, इसमें क्या क्या रखोगे? तुम्हें पड़ोसी की भी टेंशन है, हाँ, जो गाँव वाँव से हैं उनको क्या टेंशन है कि भाई पड़ोसी की भैंस हमारा खेत खा जा रही है, हाँ, जो शहर वाले हैं उनको टेंशन है कि भैया सुबेरे कुत्ता टहलाने आता है हमारे द्वारे करवाग चला जाता है, तो वो सारी टेंशन भी इसी में रख रहे हो, पढ़ाई वाला भी इसी में रख रहे हो, हाँ, मम्मी पापा दो चार ठीक जमा दिए वो भी एक टेंशन है क्योंकि तुम पढ़ नहीं रहे थे। तो ढेर सारी चीज़ें याद मत करो, केवल समझ के चलो, केवल समझ के चलो, सब अच्छा होगा। ठीक है ना बेटा, समझ रहे हो ना तुम मुझे कि नहीं? हाँ, तो देखो समझना है, सिंपल सा है, मैंने बहुत एग्जांपल बताया, अगर समझ गए तो सब क्लियर है। तो आज की क्लास यहीं पे बंद करेंगे बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर किसी का कोई सवाल बचा है तो आप कमेंट करके बता दो मुझे, नहीं तो बंद करें ये बेटा। बाई बाई नहीं होता रणबीर, ये एक रामबीर साहब आए हैं, ये लिख रहे हैं बाई सर, बाई सर, बाई मतलब क्या होता जानते हो? बाई मतलब यहाँ पे होता है खरीदना, वो जो बाय वाला सब लोग लिखते हैं ना अलविदा, यही तो बोलते हैं ना शायद बाय का मतलब, बी वाई, हाँ, मुझे भी ज़्यादा नहीं आता क्योंकि मैं हाय बाय जल्दी करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस बाय का मतलब खरीदना है। 18 अलायक फ़ोन कर रहा है, इसको गरिया देता हूँ, रुको एक मिनट। हेलो, हाँ, तुम्हारा दिमाग सही है, गड़बड़ एकदम ख़त्म है, तीन बार फ़ोन काट दिया फिर कर रहा है, भग अलायक कहीं ऐसा लेखो, चार पांच बार काट दिया फिर कर रहा, डंडा कर दिया, मर जाए अगला, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं भाई, अगर इसमें से भी तुम लोग हो ना तो एक बात याद रखना, अगर किसी को फोन कॉल करते हो ए तेरी, एक बार अगर वो फोन नहीं उठा रहा है, हाँ, तो लगातार उसे फोन ना करो, हो सकता कहीं बिजी हो सकता है वो ड्राइविंग कर रहा हो, तुम फोन करो उसका एक्सीडेंट हो जाए, हाँ, परेशान ना करो किसी को, एक बार फोन करो, नहीं उठाता है 10 मिनट बाद फिर कर लो, मतलब उसके डंडा ना कर दो एकदम मर जाए वो। वैसे ये नालायक है, देखो इसको मैं क्या बोलूँ अभी, ठीक है, तो फिर बंद किया जाए ऐसे लोगों को, तो मैं तुरंत ब्लॉक करता हूँ। वैसे तो मेरे पास फोन रहता ही नहीं, जब पढ़ाता हूँ तो कमेंट देखता हूँ, बाकी तुम्हारे दोस्त लोग लिए रहते हैं, अपना समझते रहते हैं। तो चलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को भी, समझना, यूपीएससी बॉय बेटा टेलीग्राम पे बात बात नहीं करेगा कोई, तुम पढ़ाई कर लो। और हाँ, एक चीज़ और ये समझ लो, आप लोग PBR स्टडी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो बेटा, क्योंकि जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसी पर आपको PDF फाइल मिलेगी, नोट्स मिलेगा साइंस का, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, कैसे ज्वाइन करना है वो मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड, रुक जा भाई, क्लास बंद करने के पहले सुन लो, टेलीग्राम क्या है, कैसे ज्वाइन करना है, मैं पूरी प्रक्रिया के लिए एक वीडियो दे दे रहा हूँ, थोड़ा रुक जा भाई, जाना नहीं, रुक जा बाबू, टेलीग्राम का मैं दे दे रहा हूँ, रुक जा एक मिनट, ये लो, ये मैं कमेंट में लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग इस लिंक पे क्लिक करके जाओ जिनको नहीं पता है, ठीक है। देखिए कैसे ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम चैनल, मैं लिंक दे रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे खिलाड़ी हैं जिनको नहीं पता टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करते हैं, टेलीग्राम क्या है, तो उनके लिए देखो कमेंट में लिंक दे दे रहा हूँ बाबू, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, लेकिन नंबर पे मैसेज नहीं करना। अगर तुम हमारे टेलीग्राम नंबर पे मैसेज करोगे तो हम नहीं बात करेंगे, कोई रिसीव नहीं करेगा। चैनल ज्वाइन करो, अगर नहीं जानते हो तो जो लिंक दे रहा हूँ उस पे जाके वीडियो देखो, उसमें मैं सब बताया हूँ बहुत अच्छे से, अगर कोई एकदम पागल होगा वो भी समझ जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने से लेकर के ज्वाइन करने तक मैं सब बताया हूँ, जो लिंक दे रहा हूँ इस पे क्लिक करके वीडियो देख लो, 2 मिनट का, समझ जाओगे। ठीक है बेटा, चलो फिर बंद करता हूँ, सभी बच्चे जा करके देख लेना जरूर, जिनको नहीं पता जाके देख लेना। आशीष जी ठीक है, प्रमाण क्रमांक का PDF भेजा जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इंतजार करो, बनवाया जाएगा, लिखना पड़ता है ना बाबू कंप्यूटर में, ठीक है। तो जैसे चैप्टर ख़त्म होगा सब मिल जाएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू आज के लिए, इतना ही, आप सभी दी गई लिंक से एक बार जाओ, जुड़ो जरूर, ठीक है। ये टेलीग्राम कैसे होता है, ज्वाइन होता है, समझ लो,
अगर जानते हो तो ज्वाइन कर लो।